नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट जनता तक पहुंचा रही है, तो सिवान सदर चुनाव संपन्न होने के बाद मैरवा प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। और अभी हम मौजूद हैं मैरवा प्रखंड के बड़का मझा पंचायत में, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं राजू गोंड जी, जो जनता से भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं और नवरात्र की क्या बधाई देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है राजू जी हमारे चैनल पर। पहले स्वागत है आपके चैनल में। जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता सब ठीक है। हमारा चुनाव चिन्ह है आरी छाप। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे है, सबसे नीचे। तो बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ से नामांकन किए हैं, तो क्या लग रहा है आपके लिए चुनाव आसान हो पाएगा? हाँ, हमारे लिए चुनाव आसान है क्योंकि हमारे बगल का मझा पंचायत है और हमारे पंचायत में कोई नहीं है और बार बार भी हमारा अच्छा सब रहती है, पकड़ अच्छा है, पकड़ अच्छा है। तो दशहरा चल रहा है, नवरात्र शुरू हो चुका है, नवरात्र को लेकर जनता को क्या बधाई देते हैं? जनता को हमारे तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव में विकास के मुद्दा पर राजनीति शुरू होती है लेकिन खत्म जाति और धर्म पे जाके होती है, तो क्या आप उस फैक्टर को तोड़ पाइएगा? एकदम तोड़ पाएंगे। इसके पहले हमारे जो जिला पार्षद थे, 5 साल में विकास का काम तो अलग हुआ, दिखाई भी नहीं दिए हैं। 5 साल तक दिखाई भी नहीं दिए हैं। तो क्या जो जनता में, हमारे जनता में जो आक्रोश है, जनता उनसे नाराज है, उसका फायदा आपको मिल? एकदम मिल रहा है, सब जनता हमको पूरा अच्छा से स्वीकार कर रही है। तो आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र के जो भी युवा लोग हैं जी, वो आपको सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाता है कि एक यूथ अब आ रहा है हर एक जगह पंचायती राज चुनाव में, पंचायत के मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड हो, चाहे सरपंच हो, सारे पदों पर यूथ अब आ रहे हैं, तो इससे पंचायत भी आगे जाएगा, आपका क्षेत्र भी आगे जाएगा, तो क्या जनता इस बात को समझ पाएगी? जनता एकदम सब बात कर समझ रही है, जनता पूरा समझ रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के जनता से क्या अपील कीजिएगा आरी छाप को लेकर 20 तारीख को वोटिंग है? जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए, हम अपना अथी जो होगा वो देख लाएंगे। तो जैसा कि राजू जी का साफ का नाम है कि जो 5 साल जनता जिनको मौका दी वो तो फील्ड में दिखाई दिए नहीं, विकास तो बहुत दूर की बात है, और जनता में जो कर सकते हैं ना, जनता में जो आक्रोशित है, जनता का जो गुस्सा है, उसका फायदा चुनाव में हमको मिलेगा। और ये रात दिन एक करके जनता के बीच में लगे हुए हैं। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जान लेते हैं क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राम लगन। तो 20 तारीख को आपके क्षेत्र में वोटिंग होने वाला है, क्या लग रहा है कि इस बार जिला परिषद के पद पे बदलाव हो पाएगा? बदलाव होगा। तो कोई नया चेहरा में कौन सबसे आगे चल रहा है? राजू भैया। राजू भैया आपके आगे चल रहे हैं, तो आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि राजू आगे चल रहे हैं? मेरा गांव को सब बच्चा बच्चा बोल रहा है कि राजू भैया को सपोर्ट करेंगे। बदलाव होगा, बदलाव होगा। जी मोहित कुमार गोलकर कबीरपुर जी। तो यहाँ से कुल टोटल 8 प्रत्याशी नामांकन किए हैं, क्या लग रहा है कि राजू जी के लिए चुनाव आसान है? जी राजू भैया के लिए चुनाव आसान है क्योंकि इन पंचायतों के पूरा सपोर्टिंग यहाँ के जी, क्योंकि इनके साथ हम घूम रहे हैं, अच्छे फील्ड देख रहे हैं इनके साथ। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव की एक लहर चल रही है और उसमें फ़ायदा किसी को मिलेगा तो राजू गोंड को मिलेगा, क्योंकि सारे पंचायत में लोग जा रहे हैं तो एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव, और बदलाव के नाम पर जनता एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देगी ताकि 5 साल जो उसको परेशानी का सामना करना पड़ा है वो आने वाले 5 साल में उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसलिए उसमें सबसे बड़ा कोई चेहरा उभर के सामने आ रहे हैं तो है राजू गोंड, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से भावी यहाँ के जिला परिषद प्रत्याशी हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही खबर को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।